डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट। BTUP पहली बार ऐसा करने जा रहा है। BTUP छात्रों के लिए एक बड़ा धमाका, कहें तो बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, BTUP पहली बार ऐसा करने जा रहा है, आप लोगों के ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन को बात करेंगे और क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आ पाएगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपसे कह दूं, जो पहली बार आए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारा टेलीग्राम है, जैसी लिंक एक्टिवेट हो रिजल्ट का यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो, अपडेट आई है जावेद मुस्तफ़ा जी के थ्रू। जावेद मुस्तफ़ा जी कौन है मैं आपको बता दूँ, ये एक जर्नलिस्ट हैं और जो भी BTUP की छोटी मोटी अपडेट हो, जब एग्ज़ाम होता है तब BTUP जो संकट आता है तो हमारे जावेद मुस्तफ़ा जी हमारे रक्षा करते हैं। तो ऐसे में जावेद मुस्तफ़ा जी ने अभी ट्वीट किया है, देख सकते हो, ऑफिशियल और वेरीफाइड अकाउंट है, ठीक है, फॉलोअर भी देख सकते हो आप लोग, है ना। इन्होंने बोला है, पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर का परिणाम 10 से 15 अप्रैल के बीच जारी हो जाएगा, यानी 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। जावेद मुस्तफ़ा जी ने ऐसा बोला है। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, जावेद मुस्तफ़ा सर जो भी कहते हैं ना उसका मैं बोला हूँ 99.9% तो बात सही होती है, और 1% अलग गलत होता तो बात अलग है, लेकिन 99.9% 100% बच्चों इनकी बात सत्य निकलती है। जावेद मुस्तफ़ा जी, आपको पता होगा, जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर जो अपडेट आई थी इन्होंने ही बताई थी। कहने का मतलब ये है, अभी जो हमारे जावेद सर बोले हैं कहीं ना कहीं इसमें कितनी, अब देखिए इन्होंने बोर्ड के सचिव वगैरह से बात की होगी तभी तो इन्होंने बताया, हालांकि ऐसे कोई थ्रू बता देगा कि हाँ 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आ जाएगा। इन्होंने बहुत जानकारी एकत्र की होगी, उसके बाद ये बता रहे हैं कि 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। और हम लोग क्या अपना अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है 25 अप्रैल आए, हो सकता है मई फर्स्ट वीक आए, लेकिन जावेद मुस्तफ़ा सर ने तो बिल्कुल पूरी की पूरी कया ही पलट दी। भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं, जावेद सर हमारे बोल रहे हैं कि पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर का जो परिणाम है वो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जारी हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, पहली बार ऐसा होगा तो कापी वगैरह कैसी चेक हुई होंगी? हालांकि अभी कापी चेक हो चुकी है, लगभग कुछ ही बची हैं, मान लो लगभग 1-2% बची होंगी, तो वो चेक करके नंबर की फीडिंग वगैरह कराए जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि लगभग लगभग आपका रिजल्ट है वो हो सकता है, ठीक है। देख सकते हो ट्वीट किया गया है और देख सकते हो 5 अप्रैल, यहाँ टाइम भी दिखता होगा आप लोगों को, पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर का जो परिणाम है 10 से 15 अप्रैल के बीच जारी हो जाएगा। जावेद मुस्तफ़ा जी ने ऐसा बोला है, ऑफिशियल अपडेट बाई ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से जावेद सर ने ऐसा बोला है। तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हम आपका बहुत ट्रस्ट करते हैं, जावेद सर ऐसा बोलते हैं, है ना, कहीं इतनी खुशी कहीं, मतलब इस तरीके से बच्चे अपना अपना। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट इस टाइम में आ पाएगा? हालांकि चाह तो हम भी रहे आ जाए, अब देखना ये है रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखा होगा आपने, समझ में आ गई होगी सारी बातें। अब पॉलिटेक्निक वालों, इस बार देख, हो सकता है BTUP क्या अलग नया नियम निकाले, क्या फंडा रहे BTUP में, ये सारी चीज़ें बच्चों निकल के आई थी। आप लोगों का रिजल्ट है यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है, 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जारी हो जाएगा, और आज आपका हो चुका है 5 अप्रैल, आज आपका 5 अप्रैल हो चुका है, मात्र 5 दिन बचे हैं, मान लो 10 को हो रहा है तो 5 दिन बचे हैं आपका रिजल्ट आने में, है ना। कापी चेकिंग तो लगभग समाप्ति की ओर होगा, 1-2% बचा होगा, फिर मार्क्स की फीडिंग हो जाएगी 2-4 दिन में, ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। अब देखो, हो सकता है इस बार डी फार्मा के जो बच्चे हैं, डी फार्मा का स्पेशल बैच का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट 10 से 15 अप्रैल के बीच आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे जावेद सर ने बोला है, और स्पेशल बैच वालों का भी रिजल्ट इसी के बीच में आएगा, जैसा कि जावेद मुस्तफ़ा जी ने आपको बताया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।